अस्सलाम वालेकुम, चैनल पिक्चर शूटर पे खुश आमदीद। आज आप देख रहे होंगे रात का इस पहर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मेरे एक दोस्त बेल्जियम से आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने के लिए सियालकोट एयरपोर्ट जा रहा हूँ और इस टाइम मैं ओवरहेड ब्रिज जो है जो गोदपुर की तरफ से जाता है और ये इसको चाइना चौक भी कहते हैं, इसके इस ओवरहेड ब्रिज के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ और ये रास्ता सीधा समरयाल एयरपोर्ट को जा रहा है और इसी पर शॉपिंग मॉल भी आ रहे हैं, इम्तियाज़ सुपरमार्ट भी इसी पे आ रहा है और जो जो चीज़ रास्ते में आती जाती है वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपको एयरपोर्ट का एक मुकम्मल विज़िट करवाऊंगा और जो उसमें नई चीज़ें हैं उसके मुतल बात भी होगी। सियालकोट एयरपोर्ट जो है ये बेसिकली यहाँ के जो ताजर थे उनका ये एक मंसूबा था। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट निजी शोबे में चलने वाला एक मुनफरद मंसूबा है। इस वक्त सियाल के 365 डायरेक्टर मेंबर्स हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट पर ANF, MET, इमिग्रेशन, FIA, कस्टम, ASF और दीगर खिदमात फराहम की हैं। इस एयरपोर्ट पर तमाम इंटरनेशनल मेयार की सहूलियात फराहम की गई हैं और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक चलाया भी जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर एयरलाइन के दफातर, क्राफ्ट कैरियर यूनिट्स, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, कार्गो वेयर हाउसेज, रेस्टोरेंट, कार पार्किंग वगैरह शामिल हैं। इस एयरपोर्ट की कुल लागत तकरीबन 4 अरब रुपए है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटों का ऑपरेशन 30 अक्टूबर 2007 से शुरू हुआ। इस एयरपोर्ट पर 140 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और 40,000 पैसेंजर महाना सफर करते हैं। इस एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज, एयर अरेबिया, अमान एयर, इतिहाद एयर, एमिरेट्स और PIA अपनी फ्लाइट्स चला रहे हैं। सियालकोट की एक बड़ी पहचान एयर सियाल एयरलाइन भी है जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से अपनी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स चला रही है। 1600 टन कार्गो इस एयरपोर्ट से सालाना भिजवाया जाता है। 3100 मीटर लंबा रनवे जो कि एक बड़े रनवे में शुमार किया जाता है वो भी इस एयरपोर्ट की पहचान है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी एयर बसेस आसानी से यहाँ पर उतर सकती हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। ये अगोगी का एरिया है, कस्बा जो है यह बड़ा डेवलप हो गया हुआ है, तमाम बैंक और तमाम ब्रांचेस इधर मौजूद है और खाने पीने से लेकर रिहाइश की तमाम फैसिलिटीज इस एरिया में मौजूद है। इसके आगे समरयाल का इलाका आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड पर रास्ता जा रहा है जी, जो मोटरवे का वो जा रहा है जो M11 है सियालकोट से लाहौर की तरफ, और अभी यहाँ से ही आगे की तरफ जाएगा जो यहाँ से समरयाल से होता हुआ खारियाँ तक रूट करेगा और खारियाँ से आगे ये पिंडी को जाके मिलेगा। यूँ हमारा ये सफ़र इस्लामाबाद पिंडी की तरफ शॉर्टकट वे में इस्तेमाल होगा। अब हम तकरीबन समरयाल एयरपोर्ट चौक के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और वो नहर आ गई। अब नहर को क्रॉस करके हम एयरपोर्ट रोड की तरफ चले जाएंगे। ये राउंड अबाउट है, इसको लेकर ये सामने जो आ रहा है ये ड्राईपोर्ट का एरिया आ रहा है और मेन समरयाल बाजार आ रहा है। तो हमने एयरपोर्ट की तरफ जाना जो यहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से 6 किलोमीटर का फासला है जो सीधा ये रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये डबल साइडेड बनाया हुआ है, इसके इर्द गिर्द अब काफ़ी कॉलोनियाँ आ गई हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हुई क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही की है और यहाँ पर अभी रिहायश नहीं लेके आई, इस वजह से वो जल्दी डेवलप नहीं हो सके क्योंकि एयरपोर्ट में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं। यहाँ पर ये छोटी मोटी मार्केट्स हैं, यहाँ से आप परचेजिंग करके एयरपोर्ट जा सकते हैं। बार दफ़ा लंबा स्टे करना पड़ जाता है या फ्लाइट लेट हो जाती है उधर, फिर खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं तो आप इधर से अवेल कर सकते हैं।
ये आगे जो लाइनें लगी हुई हैं ये एयरपोर्ट की तरफ एंट्री की लाइंस हैं, और ये पहले यहाँ पर छोटा एक फोकर जहाज लगा हुआ था, उसका मॉडल लगा हुआ था, लेकिन अब एक फाइटर प्लेन का यहाँ पर मुजस्मा लगा दिया गया। ये थोड़ी सी तब्दीली या चेंज कह सकते हैं आप कि ये चेंज आया है। अभी हम भी इन लाइंस में शामिल हो जाएंगे और मुख्तसर से अपनी शनाख्त के बाद हम परमिशन ले लेंगे अंदर जाने की। इधर डबल लाइन चल रही है क्योंकि इस टाइम कतर लाइन जो है उसने परवाज लेनी है और अपने पैसेंजर लेके वो आ रही है और दोबारा फ्लाइट ले जाना है उसने। ये सामने मेन टर्मिनल है और इसके बाद जो कार्गो टर्मिनल है वो इसके आगे आ रहा है। ये सारी डेट लिखी हुई है, बैन अल-अक़वामी मुसाफर टर्मिनल, अंदरूनी मुल्क का टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और सियाल सेक्रेटेरिएट, सारे इधर ही हैं। ये जामिया मस्जिद है यहाँ की। ये पार्किंग एरिया भी इधर है। देखते हैं कोई मुनासिब जगह पे जहां गाड़ी पार्क की जा सके। ये यहाँ का जी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टू थर्टी पे जी फ्लाइट उतर रही है। ये इधर एयर सियाल ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। यहाँ पे एक टक्शॉप है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने दफातर बनाए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर टिकटिंग वगैरह जो है वो चेंज वगैरह हो सकती है। ये वाला वो जो पीछे था वो अराइवल का था और ये जो आगे है ये इंटरनेशनल फ्लाइट का डिपार्चर का है, ये मालूमात का है जिस पर स्कैनिंग और प्रिंटिंग के लिए सूरत मैसर है और 50 रुपीज़ उसके चार्जेस रखे हुए हैं। ये एएसएफ कंट्रोल का कंट्रोल रूम है, ज़िगज़ैग दिया हुआ है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट की तरफ एंट्री का पॉइंट है ताकि वो ज़्यादा पैसेंजर होने की सूरत में भी रश ना हो सके। अब यहाँ पे फूड कोर्ट भी आ गया, मिस्टर कोर्ट मौजूद है और अब मुख्त फूड पॉइंट भी आ गए हैं। ये सारा पार्किंग एरिया है यहाँ का। ये नेस्कैफे की बार है, उसके बाद ये गिफ्ट एरिया है कि जो पैसेंजर गिफ्ट्स लेके आए या उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे सहूलत मौजूद है। उनमें चीज़ें बच्चों के टॉयज वगैरह हैं। ये तमाम गिफ्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा दी है, यहाँ पे भी वॉशरूम है और एयरपोर्ट पे जहाँ पे एंट्री होती है उस साइड पे भी वॉशरूम मौजूद है। ये वो वाला एरिया यहाँ से उस साइड से एंट्री हुई है और जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है जहाँ से गाड़ियाँ आउट हो रही हैं। ये एम्बुलेंस भी मौजूद है यहाँ पे सियालकोट एयरपोर्ट की।